गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट एट वीडियो है चैप्टर का। पार्ट एट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 26.2 पे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है निम्नलिखित का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक यानी कि अवकलज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 27 पे है, पिछले वीडियो में हम लोग 26 नंबर तक देख चुके थे। तो यहाँ भी इसको मान लेंगे, माना एफ एक्स बराबर में रूट अंडर सेक एक्स, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला निकालने रखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स और बटा में एच। चलिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच माइनस में रूट अंडर सेक एक्स और बटा में आपका एच। तो ऊपर रूट में है तो इसका परिमेयकरण करेंगे ना अंश का, चलिए परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच माइनस में रूट अंडर सेक एक्स और बटा एच, गुना कर देंगे रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच और प्लस रूट अंडर सेक एक्स से और बटा में, यही फिर लिख देंगे रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच और प्लस में रूट अंडर सेक एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए ऊपर ऊपर इंटू करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर सेक एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे इंटू में आएगा ना, तो एच इंटू में हो जाएगा रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच और प्लस में रूट सेक एक्स, ठीक है। स्क्वायर से रूट यहाँ पे हट जाएगा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, तो इसको ना आप कॉस में चेंज कर दो, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस वन बाई कॉस एक्स और बटा में यहाँ पर है एच, ब्रैकेट के अंदर रूट सेक एक्स प्लस एच और प्लस में रूट अंडर सेक एक्स, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ ऊपर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस एच इंटू में कॉस एक्स, इसमें से भाग करेंगे, कॉस एक्स जाके इंटू करेगा वन में, तो कॉस एक्स माइनस इसमें से भाग करेंगे, यह वन जाके में इंटू करेगा वन में, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच और इसके बटा में है आपका एच, ब्रैकेट के अंदर रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच और प्लस में रूट सेक एक्स, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में, तो यह तो पलट के इसके साथ गुना कर जाएगा, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएगा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला एक बार फिर से मैं आपको लिखवा देता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी जब है तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये वाला बड़ा वाला टर्म है, ये छोटा टर्म है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है, यह फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला ऊपर, तो हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस एच बाई टू और फिर साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स मतलब डी माइनस सी बाई में टू और बटा में आपका हो जाएगा एच इंटू में रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच और प्लस में रूट अंडर सेक एक्स और फिर इंटू में यह आएगा ना कॉस एक्स प्लस एच इंटू में कॉस एक्स। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस एच और बटा में आपका टू इंटू इंटू, अच्छा इस सबको इसी के बाई में रख दे क्या, यहीं पे रख देते हैं, इन सबको इसके बाई में ही रख देते हैं। चलिए हमारा स्टेप बचेगा रूट अंडर सेक एक्स प्लस एच और प्लस रूट अंडर सेक एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। अब फिर इंटू में लिमिट अलग से लगाते हैं
और देखो मैं क्या करता हूँ, लिमिट अलग से लगाता हूँ और इसको ले लेता हूँ। देखो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन एच बाई टू, और बटा वाला या एच छोड़े थे वो यहाँ ले लिए, और यह टू इसी के डिवाइड में आ गया है। ठीक है, सब कुछ लिख दिए, तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधे हम लोग जीरो पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस जीरो बाई टू। ठीक है, अच्छा, और बटा में यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा रूट अंडर सेक एक्स प्लस जीरो प्लस रूट अंडर सेक एक्स, यही होगा क्योंकि यहाँ पे एच तो है नहीं, फिर इंटू कॉस एक्स प्लस जीरो इंटू में कॉस एक्स, और इसका वैल्यू हो गया आपका वन। चलिए ऊपर आ जाएगा साइन टू एक्स बाई टू, यानी कि एक्स बच जाएगा। नीचे देखिए ये रूट सेक एक्स हो जाएगा और ये रूट सेक एक्स, यानी कि टू रूट सेक एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ देखो कॉस एक्स और कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, तो एक कॉस ऊपर भेज देंगे तो सेक एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा, तो सेक एक्स टेन एक्स बटा में टू रूट सेक एक्स, ऐसे ये आपका वैल्यू हो गया। या एक और काम कर सकते हैं, इसे इसको काट भी सकते हैं या इतना भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।